श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। जैन रामायण कथा महोत्सव प्रारंभ। जैन रामायण कथा महोत्सव आज से मुंबई के कांदिवली में नरवणे स्कूल के सभागृह में प्रारंभ हो गया है। प्रातः 7:15 से 10 तक ध्यान दिवाकर मुनिश्री जय कीर्ति जी महाराज के मुखारविंद से जैन रामायण का वाचन होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र की जैन रामकथा समिति द्वारा किया गया है। 10 दिवसीय यह आयोजन 30 सितम्बर को समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज। पुष्पा दीदी की हुई गोद भराई। दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी की गोद भराई सिद्धवर कूट पर की गई। उनकी जैनेश्वरी दीक्षा आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के शिष्य मुनि पुण्य सागर जी महाराज से विजयनगर में 11 अक्टूबर को होनी है। आचार्य श्री के समक्ष यह रस्म संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनों व श्रावकों द्वारा की गई। रिपोर्ट, सन्मति जैन, सनावत। कलकत्ता में यंत्र मंत्र तंत्र और वास्तु संगोष्ठी। यंत्र तंत्र मंत्र और वास्तु संगोष्ठी 23 और 24 सितंबर को गुलमोहर पार्क हावड़ा में आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रही है। मंत्रों का शास्त्रों में वर्णन, वास्तु विज्ञान का असर, कौन से मंत्र से कल्याण होगा, सब मंत्रों का प्रभाव क्या है आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। संगोष्ठी में प्रकांड विद्वान विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालेंगे। यह संगोष्ठी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के जन्म शताब्दी समापन महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज। सांकेतिक कार सेवा 25 सितंबर को। इंदौर के तिलक गोमटगिरी पर सांकेतिक कार सेवा 25 सितंबर को होना है। समाज के पदाधिकारियों का मानना है कि जिस प्रकार संथारा और सल्लेखना के समय और हाल ही में निकली अहिंसा रैली के माध्यम से समाज ने एकजुटता और जोश का प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार 25 सितंबर को होने वाली कार सेवा में भी समाज जनों के इसी जोश और एकजुटता की आवश्यकता है। गोमटगिरी की रक्षार्थ दिगंबर जैन समाज, गोमटगिरी ट्रस्ट, अखिल भारतीय प्रज्ञ श्री संघ सहित शहर के सभी संगठन एकजुट हो कार सेवा देंगे। रिपोर्ट, जैनिश झांचरी, इंदौर। गुरु के प्रति आस्था। 16 कारण के 16 व्रत करने वाली श्रीमती ज्योतिबाला धनोती ने गुरु आस्था का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मुनि श्री संवेग सागर जी महाराज की समाधि 18 सितंबर को होने के कारण पारणा न करते हुए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग के उपवास के साथ स्वयं भी उपवास किया और पारणा अगले दिन आचार्य श्री के आहार पश्चात किया। उनके समर्पण और श्रद्धा की सभी ने अनुमोदना की। उनका पारणा संघस्थ बाल ब्रह्मचारी आलोक भैया ने करवाया। रिपोर्ट, सन्मति जैन, सनावत।